मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपकी मैथ्स की बुक है, मैथ एस एक्सिस क्लास टू के लिए। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमारा टॉपिक वन है नंबर्स। इसमें आपको नंबर्स तो आप क्लास वन में भी पढ़ेंगे, जैसे कि 1, 2, 3, ये सब क्या है, काउंटिंग जो है वो सब सारे नंबर्स। तो सबसे पहले नंबर्स की, जैसे कोई नंबर है जैसे 1, 20, तो ये हो गया नंबर्स क्लास। और इसका जो हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे नंबर्स नेम कहेंगे, तो जैसे कि 100 ओनली 1, ये हो गया नंबर्स नेम, ये हो गया हमारा नंबर्स और ये हो गया नंबर्स नेम। उसके बाद में सबसे पहले 100 टेंस और वंस ये जानना बहुत जरूरी है। ये 120 है, ये 120 में सबसे पहला ये जो है नंबर राइट हैंड पर वो है वंस, क्या है वो वंस, और ये 2 हमारा टेंस और ये एच एस मींस 100, मतलब कि ये हो गया हमारा 0 वंस, 2 टेंस और 100। अब इसके आगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे आफ्टर वंस। आफ्टर नंबर आप सभी जानते हो आफ्टर नंबर मीन्स क्या होता है। आफ्टर नंबर यानी कि बाद का नंबर, जैसे कि एक नंबर ले लेते फॉर एग्जांपल 149, तो 149 के बाद में क्या आता है, तो 149 के बाद में आता है 150, तो ये हो गया हमारा आफ्टर नंबर। इसके बाद में आफ्टर नंबर के बाद में आपका है बिफोर नंबर। बिफोर नंबर मीन्स बिफोर नंबर यानी पहले का, जैसे कि फॉर एग्जांपल 135, तो 135 के पहले कौन सा नंबर है, तो 135 के पहले 134 है, तो ये हो गया हमारा बिफोर नंबर। जैसे कि एक और नंबर ले लेते 138 के बीच में, 140 इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो वो है जैसे काउंटिंग हम करेंगे तो 138 139, और ये हो गया 140, तो ये हो गया हमारा बीच का नंबर यानी कि बिटवीन नंबर। नेक्स्ट इसके बाद में करेंगे एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड फॉर्म किसको कहा जाएगा, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताऊंगी। शॉर्ट फॉर्म बोले तो 193, ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म, और शॉर्ट फॉर्म को एक्सटेंडेड फॉर्म भी कहा जाता है। उसके बाद में एक्सटेंडेड फॉर्म अगर हमको इसको लिखना है तो एक्सटेंडेड फॉर्म ऐसा होगा, एक्सटेंडेड फॉर्म का मीनिंग होता है विस्तारित रूप में लिखना। तो जैसे कि ये हो गया 1, तो ये 1 लिखने के इसके बाद में 2 जुड़ेंगे डबल डिजिट है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगी 100, देन प्लस 4 लिखकर 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिंगल यहाँ पर नंबर है, तो इसलिए 100 आ जाएगी। तो इस तरह लास्ट में बचा 1 में 3, तो इसलिए 3, ये हो गया हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म, ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जैसे कि 1 नंबर दिया है, प्लेस वैल्यू में जिसको सर्कल किया गया है उसी को हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि ये 138 है, तो हमको 1 की प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 1 की प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हो गया 1, ये 1 और यहाँ पर डबल डिजिट है इसीलिए यहाँ पर 2 जीरो रह जाएंगे, तो ये हो गया हमारी 1 की प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट 143, तो यहाँ हम 3 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो 3 की प्लेस वैल्यू 3 वंस के प्लेस पर है, इसीलिए 3 को 3 आने देंगे, ये हो गया 3 के प्लेस वैल्यू 3 ही होगी।
काउंटिंग जब हम करते हैं, सबसे पहले जो नंबर आता है बिगर नंबर, बिगर नंबर मीन्स सबसे बड़ा नंबर। जब काउंटिंग करते हैं तब हम पहले जो नंबर आता है तो वो होता है स्मॉल नंबर, और जो बाद में आते हैं वो हो जाता है बिगर नंबर। जैसे कि फर्स्ट है 97 और ये है 163। तो जब हम काउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले ये नंबर आता है, ये नहीं, ये बाद में, इसलिए ये होता है बिगर नंबर। नेक्स्ट स्मॉल नंबर, इसमें है 122 और 150। तो इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है? तो ये जब हम काउंटिंग करते हैं 101 से 200 के बीच में, तब पहले ये नंबर आता है, तो यानी कि ये छोटा नंबर हुआ, स्मॉलर हुआ, और ये 122 ये बिगर नंबर। ये है ऑड नंबर, क्योंकि देखो
एक बिट्स बनाती है, उसका पेयर बनना है, इसका कोई पेयर है नहीं है, इसलिए ये ऑड नंबर हुआ। जैसे कि ये 3, 1, ये 1, 2 और ये 3, तो इसमें पेयर बनना है लेकिन एक ही बिट्स बच जाए, मतलब कि ये ऑड नंबर हुआ। तो इवन नंबर में पेयर बन जाता है पूरा पूरा, और ऑड नंबर में पेयर नहीं बन पाता, इसीलिए वो होता है ऑड नंबर। तो जैसे कि हमको यहाँ पर एक एक्सरसाइज में दिया गया है, इवन नंबर निकाल कर देखना है। तो जैसे कि 16 है यहाँ पर, 7 है, 15, 8 और 13, इनमें से हमको क्या निकालना है, इवन नंबर। इवन नंबर आप लोगों को बताओ।